नमस्कार, माइंडफिट चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जीवन को प्रगति और उन्नति की राह पर ले जाने में बौद्ध कथाओं ने बहुत प्रभावी भूमिका निभाई है। मैंने स्वयं बहुत सारी बातें इन्हीं कथाओं से सीखकर अपने जीवन में अपनाई हैं और जीवन को सुख, समृद्धि और आनंद की ओर बढ़ते देखा है। आज आपको ऐसी ही एक बेहद प्रभावी बौद्ध कथा सुना रहा हूँ जो आपके जीवन को रूपांतरित कर देगी, परंतु आपको इसे बहुत धैर्य से पूरा सुनना होगा। यह आपके धैर्य की भी परीक्षा है। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है, एक बेहद खूबसूरत सी भरी पूरी नदी के किनारे एक बौद्ध गुरु अपना आश्रम बनाकर रहा करते थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। वह बूढ़े हो चुके थे और उनका एक शिष्य भी था जो उन्हीं के साथ उस आश्रम में रहा करता था। एक दिन वह शिष्य भिक्षा मांगने पास के गांव गया था। उसने वहां देखा कि एक बूढ़े व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी थी। उसके घर वाले शव के चारों ओर बैठे विलाप कर रहे थे। वह मृतक को देख चिंतित हो उठा। शिष्य के मन में सहज चिंता जागी, मेरे गुरु भी अब बूढ़े हो चुके हैं, यदि वह मुझे छोड़कर चले जाएंगे तो मेरा मार्गदर्शन कौन करेगा, मुझे रास्ता कौन दिखाएगा, मैं किसके मार्गदर्शन से अध्यात्म के अपने सफर को पूरा कर पाऊंगा। वह यही सोचता हुआ वापस आश्रम लौट आया, लेकिन उसने अपने गुरु से कुछ नहीं कहा। पर अब वह हर दिन चिंता में रहने लगा था। वह हर रोज सुबह उठकर सबसे पहले अपने गुरु के पास जाता और यह देखता कि कहीं उनकी सांस तो नहीं रुक गई, गुरु जीवित हैं या नहीं। और जब वह यह देखता कि गुरु की सांस तो चल रही है, तो वह सुकून की सांस लेता। धीरे धीरे यह डर उसके मन में गहराई तक बैठता गया, क्योंकि उसने इस बीच और भी बहुत से बूढ़े लोगों को मृत्यु का ग्रास बनते हुए देखा था। एक दिन की बात है, वह अपने मार्ग से कहीं जा रहा था। रास्ते में उसे दो झोपड़ियां नजर आई, वहां से रोने और बिलखने की आवाज भी आ रही थी। शिष्य ने जब वहां जाकर देखा तो उसने पाया कि वहां किसी की मृत्यु हो गई थी और वह व्यक्ति भी बूढ़ा था। यह देखकर वह शिष्य अब भीतर ही भीतर बहुत ज्यादा चिंतित हो गया। उसे अब यह डर सताने लगा कि कहीं उसके गुरु भी उसे छोड़कर न चले जाएं। यही सोचता हुआ वह वापस आश्रम लौट आया। वह चुपचाप एक जगह बैठ गया और अपने गुरु के बारे में सोचने लगा। तभी वहां गुरु आए। उन्होंने अपने शिष्य को इतनी चिंता में देखा तो वह उससे पूछे बिना रह नहीं पाए। वह गुरु अपने शिष्य के पास बैठे और बोले, भंते, क्या बात है, मैं तुम्हें कई दिनों से चिंता में देख रहा हूँ, क्या कोई विपदा आ पड़ी है। गुरु के इस प्रश्न का जवाब देते हुए शिष्य बोला, हे गुरुवर, यह कहते हुए मुझे बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ वह सत्य भी है और इसे मैं छिपा नहीं सकता। मैंने हाल ही के दिनों में कई सारे बूढ़े लोगों को मरते देखा है और अब मेरे मन में यही डर है कि आप भी चूंकि बूढ़े हो चुके हैं, कहीं आपके साथ भी ऐसा कुछ ना हो जाए। मैं आपको खोना नहीं चाहता, क्योंकि यदि आप छोड़कर चले गए तो मुझे राह कौन दिखाएगा, आपके बिना मैं अपने सफर को कैसे पूरा कर पाऊंगा। गुरु ने अपने शिष्य के मन की इस बात को ध्यानपूर्वक सुना और वह जोर जोर से हंसने लगे। इस पर शिष्य बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उसने उन गुरु से पूछा, गुरुवर, आप हंस क्यों रहे हैं, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया, क्या बूढ़े लोग मृत्यु को प्राप्त नहीं होते। इस पर गुरु शिष्य से बोले, भंते, इस दुनिया में मृत्यु का बुढ़ापे या जवानी से कोई संबंध नहीं है। तुझे इस बात की चिंता है कि मैं मर जाऊंगा तो तुझे मार्गदर्शन कौन देगा, किंतु तुमने एक पल के लिए भी यह नहीं सोचा कि यदि मुझसे पहले तुम्हारी मृत्यु हो गई तो क्या होगा, तब तुम मुझसे मार्गदर्शन कैसे ले पाओगे। गुरु की यह बात सुनकर शिष्य को झटका लगा। वह कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया और मन ही मन सोचने लगा कि यह बात तो मैंने सोची ही नहीं, गुरुवर तो सत्य कह रहे हैं, मैं तो यह सोच रहा था कि केवल बूढ़े लोग ही मरते हैं, किंतु वास्तविकता तो यही है कि बच्चे और जवान भी मरते हैं, और ऐसे में यदि मेरी मृत्यु गुरु से पहले हो गई तो मैं मार्गदर्शन कैसे ले पाऊंगा, अपनी मंजिल तक कैसे पहुंच पाऊंगा। अब उस शिष्य के मन में केवल एक ही बात चलने लगी कि यदि वह गुरु से पहले ही मर गया तो आखिर वह क्या जानकर मरेगा, आखिर वह क्या हासिल करके मरेगा। वह यह सोच रहा था कि जीवन तो अनिश्चित है, आज है लेकिन अगले पल कौन जानता है, यह जीवन हो भी या ना हो, जीवन के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, जीवन तो पूरी तरह अनिश्चित है।
वह शिष्य यह सब बैठ कर सोच ही रहा था कि रात का समय हो गया। गुरु अपने कक्ष में सोने के लिए जा चुके थे। शिष्य भी सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस विचार ने उसके मन में इतनी खलबली मचा दी कि वह सो ही नहीं पा रहा था। वह बेचैन था। आधी रात में वह शिष्य अपने बिस्तर से उठा और उन गुरु के पास जा पहुंचा। उन्हें जगाकर वह शिष्य गुरु से बोला, हे गुरुवर, यह जीवन तो अनिश्चित है। पता नहीं मैं कल का सूरज देख पाऊंगा या नहीं। इसलिए हे गुरुवर, मुझे वह आखिरी सत्य, आखिरी बात बता दीजिए जो ज्ञानी लोग अंत में सत्य को प्राप्त करके जानते हैं। शिष्य के इस सवाल पर गुरु बोले, भंते, तुम्हें इतनी जल्दी क्या है? जैसे सब उस सत्य को प्राप्त करते हैं, तुम भी कर लेना। इस पर शिष्य गुरु से बोला, हे गुरुवर, आप ही ने तो कहा है कि जीवन अनिश्चित है और मेरी मृत्यु का भी कोई भरोसा नहीं। पता नहीं मैं कल का सूरज देख पाऊंगा या नहीं। कोई भरोसा नहीं है कि मैं सुबह तक जीऊंगा या नहीं। इसलिए मैं सुबह तक का इंतजार नहीं करना चाहता। आप मुझे अभी और इसी समय वह सत्य बता दीजिए। मैं उस आखिरी सत्य को जान लेना चाहता हूँ जो ज्ञानी लोग अपने जीवन के अंत में जानते हैं। कम से कम मृत्यु के वक्त मुझे यह तसल्ली तो होगी कि मुझे वह बात पता है कि आखिर अंत में क्या बात आती है मन में। इस पर गुरु शिष्य से कहते हैं, ठीक है, यदि तुम जानना ही चाहते हो तो मैं तुम्हें वह बात जरूर बताऊंगा, लेकिन आज नहीं, आज से 3 दिन के बाद। इस पर शिष्य कहता है, किंतु हे गुरुवर, मुझे यह तक नहीं पता कि मैं सुबह का सूरज देख पाऊंगा या नहीं, और आप मुझे 3 दिन तक इंतजार करने के लिए कहते हैं। गुरु बोले, भंते, यदि तुम वह बात जानना चाहते हो तो तुम्हें 3 दिन तक इंतजार करना ही होगा। इसके पहले मैं तुम्हें वह बात नहीं बता सकता। शिष्य मन मार कर रह जाता है और कहता है, ठीक है गुरुवर, यदि आप कहते हैं तो मैं 3 दिनों का इंतजार कर लेता हूँ, लेकिन उसके बाद आपको वह बात मुझे बतानी ही होगी। गुरुवर कहते हैं, भंते, मैं तुम्हें वह बात अवश्य बताऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। शिष्य कहता है, गुरुवर, मैं आपकी हर शर्त मानने को तैयार हूँ। गुरुवर कहते हैं, भंते, जब तक तुम वह अंतिम सत्य नहीं जान लेते, तब तक तुम्हारे गले से एक बूंद भी पानी नहीं उतरना चाहिए, अन्यथा तुम वह सत्य कभी नहीं जान सकोगे। शिष्य गुरु की बात मान लेता है और मन ही मन बहुत प्रसन्न हो जाता है कि कम से कम 3 दिनों बाद तो वह अंतिम सत्य जान ही जाएगा जो लोगों को मृत्यु के समय मालूम चलता है। शिष्य अब 3रे दिन का इंतजार करने लगा। उसे गुरु ने पानी पीने के लिए मना किया था, इसलिए उसने पानी का त्याग कर दिया। गर्मियों का समय था, जैसे तैसे उसने पहला दिन तो पानी के बिना काट लिया, लेकिन अगले दिन उसकी प्यास बढ़ने लगी। उसे बेहिसाब प्यास लग रही थी, पर जैसे तैसे वह अपने आप को संभाल रहा था। देखते ही देखते रात का वक्त हो आया। दूसरा दिन खत्म होने को था, पर अभी एक और दिन बाकी था, लेकिन उससे अभी ही प्यास बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसका गला पूरी तरह और बुरी तरह सूख चुका था। वह किसी भी हाल पर पानी पीना चाहता था, क्योंकि अब उससे अपनी प्यास जरा भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इसलिए वह अपने गुरु के पास गया और बोला, हे गुरुवर, मुझे बहुत जोरों से प्यास लगी है, क्या मैं थोड़ा सा पानी पी सकता हूँ? गुरु मुस्कुराते हुए बोले, भंते, यदि तुम वह आखिरी सत्य जानना चाहते हो तो पानी मत पीना। यदि तुमने पानी पी लिया तो मैं तुम्हें वह बात बता ही नहीं पाऊंगा। इसलिए यदि तुम वह आखिरी सत्य जानना चाहते हो तो तुम्हें 3रे दिन तक इंतजार करना होगा। हाँ, यदि तुम वह सत्य नहीं जानना चाहते तो कोई बात नहीं, तुम पानी पीने के लिए स्वतंत्र हो। शिष्य ने जैसे तैसे खुद को मनाया और वह 3रे दिन का इंतजार करने लगा। देखते ही देखते सुबह हुई, लेकिन अब वह 3रा दिन उस शिष्य पर भारी पड़ने लगा। उसके होंठ, उसका गला पूरी तरह सूख चुके थे। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसे चक्कर आ रहे हों, मानो वह अभी अभी जमीन पर गिर पड़ेगा। वह जैसे तैसे किसी तरह से अब अपने आप को संभालते हुए गुरु के पास पहुंचा और बोला, हे गुरुवर, यदि मैं प्यास के कारण मर गया तो वह आखिरी सत्य कैसे जान पाऊंगा, और फिर मेरे 3 दिनों तक इंतजार करने का क्या लाभ? इस पर गुरु बोले, भंते, यदि तुम्हें प्यास लगी है तो मैं तुम्हें पानी के विषय में कुछ बातें बता देता हूँ। पानी का कोई रंग नहीं होता, वह रंगहीन होता है,
और नदियों में बहता है वो बारिश के रूप में भी बरसता है। पानी से हमारी प्यास बुझ जाती है। पानी हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी है, वो अमृत जैसा है। यह सब सुनते हुए शिष्य को गुस्सा आ रहा था। गुस्से में वह गुरु से बोला, पानी के बारे में बातें सुनकर मेरी प्यास थोड़ी न बुझने वाली है गुरुवर। शिष्य के मुख से ऐसी बात सुनते ही गुरु ने पूछा, भंते तो तुम्हारी प्यास कैसे बुझेगी? शिष्य बोला, जब तक मैं पानी पी नहीं लेता मेरी प्यास कैसे बुझेगी? तब गुरु बोले, ठीक है, किंतु ऐसे ही ज्ञान की बातें सुन लेने से सत्य प्राप्त नहीं होता। ज्ञान तुम्हारे भीतर भी तो होना चाहिए। जो आखिरी सत्य तुम मुझसे पूछ रहे थे, यदि वह आखिरी सत्य मैं तुम्हें बता दूं तो उससे क्या होगा? यह ऐसे ही होगा जैसे मैंने तुम्हें पानी के विषय में बताया, पर क्या इससे तुम्हारी प्यास बुझ गई? नहीं बुझी ना। तभी वह शिष्य गुरु की बात काटते हुए बोला, हे गुरुवर, मैं आपकी बात समझ गया, वह आखिरी सत्य मुझे खुद ही अनुभव करना होगा। तभी गुरु ने शिष्य को पानी पिलाया। अचानक वह शिष्य गुरु के चरणों पर जा गिरा। गुरु शिष्य से बोले, भंते, अब वाकई मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ। मेरे पास अब ज्यादा जीवन भी नहीं बचा। मेरे शरीर में अब वह जान भी नहीं रही। और यह सब मैंने केवल इसलिए किया कि वह आखिरी सत्य बता देने के बाद तुम यह न मानकर बैठ जाओ कि तुम्हें सब कुछ पता चल गया है। अब सुनो, मैं तुम्हें वह आखिरी सत्य बताने जा रहा हूँ, इसे ध्यान पूर्वक सुनना। लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जब तक तुम इस चीज का खुद अनुभव नहीं कर लोगे, यह सत्य केवल तुम्हारे लिए बात ही रह जाएगी, सत्य नहीं रहेगा। इसका तुम्हें कोई लाभ नहीं मिलेगा। परंतु उससे पहले यह जान लो कि इस दुनिया में जितनी भी बातें कही गई हैं, वे सब केवल बात बढ़ाने की बातें हैं। कोई भी बात जब कोई कहता है तो उससे कई सारी बातें निकलती हैं। हर व्यक्ति अपने हिसाब से बात को समझता और कहता है। इस तरह से एक से अनेक बात निकलती हैं, और इसीलिए इस दुनिया में सत्य कहने की कोई भाषा नहीं है, कोई बात भी नहीं है। सत्य ही है जो आखिरी बात है, जिसे कहा नहीं जा सकता, क्योंकि सत्य एक ही होता है और वह हर स्थिति या परिस्थिति में एक ही जैसा होता है। जैसे कि तुम्हें जब प्यास लगी थी तो वह प्यास केवल पानी पीने से ही मिट सकती थी, न कि उसकी बातें सुनकर। जब तुम्हें प्यास लगी थी तो उसका अनुभव तुम ही जान सकते हो, परंतु पानी के बारे में बातें तो बहुत हो सकती हैं। इसलिए मैं तुम्हें वह आखिरी सत्य बताने जा रहा हूँ, इसे ध्यान पूर्वक सुनना और इसका अनुभव करने का प्रयास करना। गुरु आगे कहते हैं, भंते, आखिरी सत्य जो बुद्ध पुरुष अंत में जानते हैं। इतना कहकर गुरु शांत हो गए। वह शिष्य गुरु से कहता है, कहिए कहिए गुरुवर, कहिए, मैं सुन रहा हूँ, बताइए आखिरी सत्य क्या है। वह शिष्य कई बार यही दोहराता रहा, बताइए बताइए गुरुवर, बताइए। पर उधर से गुरु थे कि शांत बने रहे। उस दिन के बाद से गुरु के मुख से एक शब्द तक नहीं निकला। उन्हें जैसे लकवा मार गया हो। देखते ही देखते कई दिन बीत गए, लेकिन अब उस शिष्य को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके गुरु को हो क्या गया है। आखिर वह ऐसा क्यों कर रहे हैं? आखिर वह कुछ भूलते क्यों नहीं? जब से उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें आखिरी सत्य बताने जा रहा हूँ, उसके बाद से उन्होंने मुझसे एक शब्द तक नहीं कहा। वह मुझे वह आखिरी सत्य बताने वाले थे जो बुद्ध पुरुष अंत में जानते हैं, लेकिन अपनी बात पूरे किए बिना वे चुप हो गए। उन्होंने मुझसे तब से कुछ भी नहीं कहा है, और अब तो पूरा एक महीना बीत चुका है, लेकिन गुरु मुझसे कुछ कह ही नहीं रहे। वह शिष्य इसी चिंता में डूबा हुआ था। तभी अगले दिन सुबह उस शिष्य के गुरु हमेशा हमेशा के लिए चुप हो गए। किंतु अपनी देह त्यागने से पहले गुरु ने अपने शिष्य को अपनी थैली की ओर इशारा करते हुए कुछ कहने की कोशिश की थी, और उसके बाद उन्होंने देह त्याग दी। शिष्य ने गुरु का अंतिम संस्कार किया, और उसके बाद उसने उस थैली में जाकर देखा तो उसमें छोटी सी चिट्ठी थी। उस चिट्ठी में लिखा हुआ था, भंते, जो आखिरी सत्य मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, वह आखिरी सत्य कभी हो ही नहीं सकता। शिष्य को अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इसका क्या मतलब है। आखिर उसके गुरु ने ऐसा क्यों कहा है, ऐसा क्यों लिखा है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था।
कई दिनों तक तो वह इसी बारे में सोचता रहा, लेकिन उसे इसका कोई जवाब नहीं मिला। अंत में उसने तय किया कि जैसा भी उसे उसके गुरु ने मार्ग दिखाया है, वह उस मार्ग पर आगे बढ़ेगा और सत्य की प्राप्ति करेगा। वह अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ता गया और करीब 10 सालों की खोज और तपस्या के बाद आखिरकार एक दिन उसने सत्य को प्राप्त कर ही लिया। तब जाकर उसे अपने गुरु की बात समझ में आ गई और अब वह खुद भी मौन हो गया। अब उसे वह आखिरी सत्य पता चल चुका था। वह आखिरी सत्य कोई कह नहीं सकता, क्योंकि जो बात कह दी जाए वह आखिरी नहीं होती और वही सत्य भी है, वही शाश्वत है, एक जैसा है और वह कभी नहीं बदलता। फिर भी अगर मैं आपसे उस आखिरी सत्य के बारे में बात कहूँ तो मेरे कहते ही आप लोग जो मेरे इस वीडियो को देख सुन रहे हैं, जो मेरी बातों को सुन रहे हैं, आप सभी तरह तरह की बातें निकालेंगे और उनमें से कुछ भी सत्य नहीं होगा। उसमें कहीं भी आपको सत्य नजर ही नहीं आएगा और ऐसे में वह आखिरी सत्य भी नहीं रह जाएगा। तो आपके हिसाब से वह आखिरी सत्य क्या है? क्या आप अब तक जान चुके हैं या नहीं? अगर आप अब तक उस बात को नहीं पहचान पाए तो मैं एक बार फिर से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। वह आखिरी बात है मौन हो जाना, शांत हो जाना। जब हम मौन हो जाते हैं तो हम कुछ नहीं कहते और वही सत्य होता है, वही बदलता नहीं। इसलिए जो बुद्ध पुरुष अंत में जानते हैं वह यही सत्य है जो कभी नहीं बदलता। इसलिए आप अगर उस सत्य को जान लेना चाहते हैं, आत्मसात करना चाहते हैं, तो आपको मौन में जाने का अभ्यास करना होगा। जितना मौका मिले, जब मौका मिले, जहाँ मौका मिले, आप मौन की शरण जाएं। यही इस कहानी की सीख है। वैसे दोस्तों, मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा कि आपने आज के इस वीडियो में क्या सीखा। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमेशा याद रखें कि आपको न अतीत में जाना है और न भविष्य में भटकना है, बल्कि हर पल वर्तमान पल में बने रहना है, क्योंकि ज़िंदगी वहीं से फूट कर निकल रही है। इसके साथ ही हम अपने वीडियो के अंत में आ चुके हैं। बस आप ये याद रखिएगा कि जब भी आपको मौका मिलता है, जहाँ भी मौका मिलता है, आपको मौन की शरण में जाना है, क्योंकि वह मौन ही आपको शांति के पास लेके जाएगा और उसी शांति में आपको सत्य नजर आएगा। आपने वीडियो देखने के लिए समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत आभार। जाने से पहले मेरे साथ कहें, मन में है तो मुमकिन है, मन में है तो मुमकिन है। नमस्कार।